Welcome to Esha online classes. Please like it, share it, subscribe my channel, press bell icon button. Today we are going to discuss about GK Indian level and state level. Rajasthan ke state level aur pure Bharat desh ke andar current GK dekhenge jo RPSC abhi recently pucha gaya hai question se bahut important hai aur bhi exams mein aayega so प्लीज़ केयरफुली आप देखो. एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे आपके. सो उसी हिसाब से अपने को देखना है, एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू देखना है और आरपीएससी किस तरह क्वेश्चंस देते हैं इस नज़रिया से भी देखिए आप. अभी जो स्पोर्ट्स हुआ था हाल ही के अंदर, वो स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपको. सो जो एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे तो आप उसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप जीके बुक से पढ़िए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन 24th June 2018, India's team of para swimmers. How many members are there in the team? 4 members. Cross the English Channel. What is the time? They are in the record time of 12 hours and 26 minutes. Out of them, one are from Rajasthan. Rajasthan se kon tha jo 24th June 2018 ke andar para swimmers ke team tha jo English Channel ko par kiya tha. Time kitna time mein par kiye the? 12 hours and 26 minutes. ये भी ध्यान रखना है. और राजस्थान का जो बंदा था वो पैरा स्विमर था, उनका नाम था जगदीश चंद्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिए और इंग्लिश चैनल का समय कितना ले रहा है बंदा और चारों का टीम में चारों सभी कहाँ कहाँ के हैं ये भी देखिए आप, ताकि वो इंडियन जीके में आएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ अचीविंग हाउ मच सोलर पावर कैपेसिटी बाय द ईयर ऑफ 2022. जो भारत का सरकार है 2022 तक कितने सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 100 गीगावाट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज दीपिका कुमारी वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स रिकर्व इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3. वेयर वॉज दिस वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ था? सॉल्ट लेक सिटी. ये ध्यान रखना, सॉल्ट लेक सिटी. और हाल ही में जो भारत के दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप, ये यहाँ और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपिका कुमारी रिलेटेड विच स्पोर्ट्स, सो तीरंदाजी. यहाँ पे दीपिका कुमारी किसके अंदर है? आर्चरी है वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी तीसरा चरण में महिला रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है. और ये भी पूछता है दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है. वो जो विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ था? सॉल्ट लेक सिटी. ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा द नंबर ऑफ द वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रीच्ड 2. हु इज़ द अदर वुमेन जज? ऑप्शन जस्टिस आर भानुमति, फोर्थ ऑप्शन. जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुई थी? 2 हुई थी. मतलब इसके मतलब क्या है? फर्स्ट जस्टिस इंदु मल्होत्रा है, सेकंड जस्टिस भानुमति है. कहाँ पे? ये पे वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये याद रखना, उच्चतम न्यायालय. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसुफ सलीम ऑफ पाकिस्तान हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, हु इज ही? हाल ही में पाकिस्तान का यूसुफ सलीम समाचारों में रहा है, वह कौन है? ही इज़ द फर्स्ट एवर विजुअल इम्पायर्ड जज ऑफ पाकिस्तान, वह पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 100th स्मार्ट सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, विच इज़ द स्टेट? मेघालय. आंसर इज मेघालय. हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है. कौन सा है? मेघालय. मेघालय याद आते ही आपको क्या याद आना है? मेघालय में कौन सा हाईएस्ट रेनफॉल जो जगह है वो मेघालय से रिलेटेड है. कौन सा है? पहले तो चिरापुंजी था, अभी मौसिनराम है जो वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने का एरिया है. और शिलांग क्या है? कैपिटल है इसका.
ये सारा ध्यान रखना है आपने को। और ईस्ट नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट सेवन है, सात बहनें बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, इनको याद रखना है आपने को, मेघालय अरुणाचल प्रदेश से सारे लेके मैप के अंदर आप एक बार इनको अच्छी तरह देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट, JAXA जैक्सा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाली विश्व के सबसे छोटी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया, जैक्सा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अभी अभी नए न्यू क्वेश्चंस है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड और भी ध्यान रखिए, सैटेलाइट्स के इम्पॉर्टेंट आप और क्वेश्चन पढ़िए, ताकि पूरी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आरपीएससी के तहत जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कृष्णा झाकर ऑफ राजस्थान हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी प्राइज फॉर द राजस्थान ट्रांसलेशन 2017। शी इज अवार्डेड दिस प्राइज फॉर विच ऑफ हर वर्क ऑफ ट्रांसलेशन, किस काम के लिए उनको काम मिला है। राजस्थान के डॉक्टर कृष्णा झाकर को साहित्य अकादमी का राजस्थान अनुवाद पुरस्कार 2017 के दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया है। आंसर दो है, गता तिस्ता पारी। ये राजस्थान का है इसलिए लैंग्वेज गता तिस्ता पारी। जो जो राजस्थान के जो जिन जिन को प्राइजेस मिले हैं वो सारे एक बार देखिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 राइटर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018। हु अमंग देम इज सेलेक्टेड फॉर द राजस्थानी लैंग्वेज। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखिकाओं का चयन किया गया है, उनमें से राजस्थान भाषा के लिए किसको चुना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए कितने लोगों को चयन किया गया है पूरे भारत देश के अंदर, 23 मेंबर्स, उनमें से कौन है जो राजस्थान के सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ऑप्शन 3 सही है, CL सांखला जी को मिला है ये बाल साहित्य अकादमी का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ई अर्ज इन दिल्ली सल्तनेट। दिल्ली सल्तनेट में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया है, किसने किया है। ऑप्शन 2 बालबन ने किया है। ये दिल्ली सल्तनेट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दिल्ली सल्तनेट में अपने को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना है, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य अच्छे कार्यों के अंदर जो मेन अच्छा कार्य कौन सा है पूछे तो क्या बोलेंगे, ये जो मार्केट के प्राइस को स्टेबलाइज किया था उन्होंने, सभी कार्यों में उच्च कार्य उनको माना जाता है। तो एक एक बंदा के लिए एक एक चीज अपने को मालूम करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, डायनेस्टीज एंड कैपिटल्स, राजवंश और राजधानियां दिया है, शुंग, यहाँ पे सातवाहना, कदम्ब, चिंदेल, एक तरफ है ये डायनेस्टी राजवंश है। कैपिटल्स देखे तो महोबा, बनवासी, पैठन और पैठन, पाटलिपुत्र। चलो इसके अंदर कौन सा सही है, ऑप्शन 2 सही है, जो शुंग वंश है पाटलिपुत्र है, जो सातवाहन वंश है वो तीसरी है पैठन, देन तीसरी है कादम्ब का जो है वो सेकंड है बनवासी, देन डी है 1 चंदेल का महोबा। ये इम्पॉर्टेंट है, सो ऐसे पूछा जाएगा, राजवंश देंगे फिर कैपिटल्स को, तो आप इस तरह से भी एक क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन बना के रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडियन स्ट्रगल का है, इंडियन स्ट्रगल 1857 के बाद जो है अफगानियन एरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, घटनाओं के सही कालक्रम बताना है अपने को। 4 दिया गया है, लखनऊ पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज, जलियन वाला मस्कर है, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। यहाँ बहुत आसान लगता है मगर ये जो कन्फ्यूजन करता है जो ऑप्शंस होते हैं, जलियन वाला बाग मसा करे तो सबको पता ही है उसका कौन सा है, 1919 अप्रैल के अंदर बैसाख के अंदर हुआ था तो वो याद है आपको। लखनऊ पैक्ट 1916 दिसंबर में हुआ था, लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ था, इंडियन नेशनल काउंसिलिंग एंड मुस्लिम
लीग के बीच में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज 1923 9th जनवरी, जलियन मसाकरे 1919, डेथ ऑफ बाला गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920। तो ऑप्शन 1 सही है इसका। तो इसके तरह से आप क्या करना है, 10th क्लास के अंदर गांधी नेहरा के बारे में अच्छे तरह दिया है 10th क्लास टेस्ट बुक के अंदर, सारे डेट्स वगैरह उनका, जैसे भारत देश में 1915 के बाद उनने चंपारण में और खेड़ा में और अहमदाबाद मिल के अंदर से, ये तीनों के बाद उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, फिर उन्होंने पार्टिसिपेशन कैसे किया, ये सारी अच्छी डेट्स वाइज दे रखा है। सो उसके अंदर शायद एक दो क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग कंपलसरी आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन दिया गया है, फाउंडर दिया गया है, उसके अंदर ऑड वन जो गलत है उसको हम लोग को निकालना है। फर्स्ट वन सेवा समिति एच एन कुंजरू, ये सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जी के गोखले, ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम बाजपाल, ये गलत है। सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी, ये सही है। सो आपने को इंस्टीट्यूशन जो स्वातंत्र युद्ध में जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो फाउंडेशन, उससे पहले उसके पहले जो जो इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशन हुआ, हु आर द फाउंडर फॉर दैट, उसको भी एक बार आपने को रिवाइज करना है। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेवोल्यूशनरी हु वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बॉम्ब कांड में शामिल नहीं हुए थे। इसका मतलब तीन तो शामिल थे, एक शामिल नहीं था, तो तीनों का नाम अपने को याद करना है। हार्डिंग बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर जो पार्टिसिपेट करे थे, जो इन्वॉल्व्ड थे, तो नहीं थे वो था भगवती चरण वोहरा, वो नहीं थे, बाकी का बाई बाल मुकुंद, मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी, ये तीनों थे इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर, हार्डिंग बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट के अंदर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आरपीएससी का नेचर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस बाय आरपीएससी, किस दृष्टिकोण से प्रश्न देते हैं वो, कहाँ कहाँ उनका इम्पोर्टेंट फील्ड्स है, जो कहाँ कहाँ अपने को दृष्टि डालना है। तो पिछले का प्रश्न पेपर को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़े। जब ये हार्डिंग बम इंसिडेंट आया है तो और भी उसके रिलेटेड जानकारी ले, ताकि आपको एग्जाम में पास होने में आसानी हो। हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट समझौता के किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा किया है, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सीट पीठ बोलते हैं उसको ऑफ वर्कारी सेक्टी सिचुएटेड, ये है ऑप्शन 4th है, पंडरपुर में है। वर्कारी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पे है, इसके मतलब आपने को नायनार का, अलवर्स का, जो भी है मुख्य पीठ जो संप्रदाय है उसका मुख्य पीठ कहाँ पे है, और उसका फाउंडर कौन है, और फॉलोवर्स कौन है, अनुनायी कौन है, उसको फॉलो कौन करता है, ये सब कुछ अपने को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 कॉइन्स ऑफ किंग मिनिंडर हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, बैराट। बैराट तो अभी राजपूत राजस्थान में जो जयपुर को ही बैराट करते थे पहले, तो वहाँ से मिले हैं। निम्न में से किस स्थान में शासक मिनिंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे, बैराट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डज नॉट बिलोंग टू गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी, ये है थर्ड ऑप्शन बरत्र भट्टा फर्स्ट वन, मतलब देवपाल नागभट्टा टू महेंद्रपाल, ये सारे बिलोंग्स करते हैं किसके अंदर, गुजर प्रतिहार डायनेस्टी के अंदर। बाकी का एक बंदा तीसरा जो है वो बरण भट्टा नहीं बिलोंग करता है। तो अपने को दो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, बिलोंग कौन कौन करता है, देवपाल नागभट्टा टू महेंद्रपाल गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी रिलेटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिका पद नाम का प्रयोग किया जाता था, पोस्ट नैमित्तिका पोस्ट रिलेटेड किसका है, प्री मिडिवियल किंगडम्स ऑफ राजस्थान द डिजिग्नेशन नैमित्तिका वॉज यूज फॉर स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो स्टेट का एस्ट्रोलॉजर होता था, ज्योतिष था,
उसको बोलते थे नैमित्तिका। जो ऊपर का क्वेश्चन रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर सकते थे, मुगल के टाइम में सूबेदार कौन होते हैं, न्याय देने वाले को क्या बोलते थे, मिडिवियल पीरियड के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर पोस्ट है उनका नाम, और मुगल के शासन के काल के अंदर पोस्ट का और जो राज्य डिस्ट्रीब्यूट होता था उसके बारे में जानकारी लिए तो बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्यूशनरी हु वॉज कन्विक्टेड इन द महंत प्यारे लाल मर्डर केस, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिला था किसको, केसर सिंह बरहाट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नेगोशिएटेड सबॉर्डिनेट्स अलायंसेस ऑफ 1817 to 1818 विथ प्रिंसले स्टेट्स ऑफ राजपूताना। ये ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से लेकर 18 तक आधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, वो चार्ल्स मेटकॉफ है। तो सब्सिडरी अलायंसेस के बारे में और ये जो सबॉर्डिनेट अलायंसेस इसके बारे में देखो ताकि और भी जानकारी मिले आपको। और एक क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स देंगे उसमें से जो स्टेटमेंट दो सही है या गलत है आपने को देखना है। तो जब तक हम लोगों को जो कंटेंट के ऊपर कमांड नहीं होता तब तक हम लोग गलती पकड़ नहीं सकते। तो जो भी पढ़ रहे हो थोड़ा पढ़ो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। कमांड होना चाहिए कि मैंने आज 200 क्वेश्चन करा या 1000 क्वेश्चन करा, मगर हाउ मच यू आर रिमेम्बरिंग, दिमाग में कितने सारे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन कितने आवर्स पढ़ा इम्पॉर्टेंट नहीं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके दो ऑप्शन है, ये भी उसके अंदर सही ऑप्शन चुनना है। आफ्टर द नागपुर सेशन 1920, देखो नागपुर सेशन कब हुआ ये भी इसमें मालूम पड़ रहा है, 1920 में ऑफ कांग्रेस, द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इसके बाद नागपुर सेशन के जो कांग्रेस सेशन के बाद ही जो राष्ट्र बने थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने थे, लैंग्वेज बेसिस पे बने थे। देन और एक पॉइंट है, इन 1948 कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। सेकेंड वन गलत है, केवल सही है। तो एक देखो, अभी तेलंगाना बना है रिसेंटली, ये अच्छा उदाहरण है। अभी June 5, 2015 में बना था तेलंगाना, वो किस बेसिस पे लड़ा था तेलंगाना वाले, और तेलंगाना से आने से पहले आंध्र प्रदेश भी नहीं था, आंध्र प्रदेश भी तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु के अंदर एक भाग था, पोट्टि श्रीरामुलु बहुत दिन 51 दिन तक कंटिन्यूसली एक बंदा था पोट्टि श्रीरामुलु, वो फाइट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, भाषा के ऊपर, भाषा के वास्ते जो तेलुगु बोलते हैं उनके लिए अलग से राष्ट्र होना है। तो तब आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन हुआ। फिर आंध्र प्रदेश होने के बाद कुछ पॉलिटिकल सोशल कुछ भी, वो कोई भी रेवोल्यूशन इसलिए आता है कि डिससेटिस्फेक्शन होते हैं लोग उधर के लोग। फिर तेलंगाना 2015 में फिर आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, तो वो भी किस तरह से हुआ था ये देखो, इस पॉइंट से रिलेटेड है। डिमांड किस तरह से किया था कांग्रेस गवर्नमेंट था उस टाइम में, सोनिया गांधी हाँ कर दी थी उस टाइम में, तो वो लोग ईसी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे नागपुर सेशन में जो था, द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सो भाषा के ऊपर राष्ट्र मांग सकते हैं, किस हक से मांग सकते हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि भाषा प्रतिपादित के ऊपर राज्य का बन सकते हैं। हाँ जी, और एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान रिलेटेड, हु वाज एडिटर ऑफ त्याग भूमि। राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हरिबाहू उपाध्याय। आपको क्लिक हो गया होगा आंसर, सेकंड वन हरिबाहू उपाध्याय। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन दे ही देता है, इसके अंदर एक आधी अगर आपको मालूम हो जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। मंदिर है और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ये राजस्थान रिलेटेड है। पहला वाला कामेश्वर महादेव मंदिर है, सेकंड वन शीतलेश्वर मंदिर है, पीपला माता मंदिर है, नीलकंठ मंदिर है। अब जिला देखिए, अलवर, जोधपुर, झालावाड़, पाली। जो वीडियो देखने वाले में बहुत लोग जानते होंगे इसको। पहले वाला कमलेश्वर महादेव कहाँ है, डी है। देखो ऑप्शन फोर्थ वाला सही है, इसके अंदर पहले ही बोल रही हूँ।
कमलेश्वर महादेव मंदिर जो है पाली के अंदर है, शीतला माता झालावाड के अंदर है, पीपला माता जोधपुर के अंदर है, नीलकंठ जी अलवर में बैठे हैं। तो आप कुछ ना कुछ करके आप इसको याद करना है, ताकि एक भी अपने को याद हो जाए तो दूसरे तीसरे आराम से निकाल सकते हैं। ये भी राजस्थान रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज ए जैन टेम्पल? चित्तौड़गढ़ के किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कौन सा है देख लीजिए, लास्ट वन ऑप्शन फोर्थ वाला सही है, सातवीश देवेरी। ये मंदिर एक ही है, ये जैन टेम्पल है चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्वेश्चन आया कुछ भी नाम बिना पूछे ऑप्शन में दे या है, ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है, जैसे सातवीश देवरा जैन टेम्पल सिचुएटेड इन राजस्थान विच डिस्ट्रिक्ट? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग, अभी पेंटिंग्स के बारे में आए थे ये क्वेश्चन, तो आप किशनगढ़ की पेंटिंग है, जो जयपुर की पेंटिंग्स है, मेवाड़ के, जोधपुर के, बीकानेर के, ये पेंटिंग्स में कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो याद रखना है। तो यहाँ पे अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग के पेंटर्स डज नॉट बिलोंग टू, इसके अंदर एक बंदा जो विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स डज नॉट बिलोंग टू, अलवर स्कूल के पेंटिंग्स के रिलेटेड नहीं है वो बंदा का नाम है। तो चार नाम दिया है, पहले नानक राम, जमनादास, नंदराम, बक्सा राम। ये देखिए जमनादास जी, नंदराम, बक्सा राम जी, ये तीनों लोग हैं अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर, नानक राम जी मेल नहीं खाते हैं। ये भी राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्क दिया गया है, ऑथर दिया गया है, पहले वाला कोडमदे रचना है, बोल बारमली रचना है, पगफेरी रचना है, पागी रचना है। अभी ये देखो ऑथर लेखक दिया है, इनको मेल का एक मेल गलत दिया गया है, बाकी का सारे तीन सही है। पहले कोड मेद लिखे हैं मेघराज मुकुल, सही है कोड मेद मेघराज, ये जो कोड मेड है एम से मेघराज याद रखना, वैसे याद रखना, अगर 150 नाम याद रखने में हम लोग दिक्कत होता है, तो ताकि हम लोग उसी के अंदर रचना के अंदर ही लेखक का नाम ढूंढ ले तो बड़ा है। कोड मेड इंग्लिश के अंदर दिख रहा है, हिंदी के अंदर आप कर लीजिए, एम आ रहा है तो एम से आप उनका ऑथर का नाम स्टार्ट कर सकते हो, मेघराज मुकुल है। बोल बारामली ये है यदुवेंद्र शर्मा गलत दिया गया है, यहाँ पे सत्यप्रकाश जोशी होना चाहिए, ये गलत दे रखा है। पगफेरो मणि मधुकर सही है। पागी ये चंद्र प्रकाश देवल, ये भी सही है, बाकी ऑप्शन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगिंग ट्रेडिशन विथ विच गौरी देवी इज वॉज एसोसिएटेड, ये बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन गौरी देवी के, आप सबको पता ही है, बहुत आसान है, मांड गायिके थी ये, बहुत फेमस गौरी देवी मांड गायिका थी, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसलेस स्टेट विच वॉज नॉट द पार्ट ऑफ राजस्थान यूनियन फॉर्म्ड ऑन 25th March 1948, देशी रियासत जो 25th March 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं है। देखिए पहला तो बूंदी था गठित संगठन में, प्रतापगढ़ नहीं, शाहपुरा ये भी है, एक उदयपुरा आखिरी में मिलता है, तो उदयपुरा ये ऑप्शन में नहीं है, 1948 के अंदर मिला नहीं था उदयपुर देशी रियासतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांस फॉर्म रिलेटेड टू गरासिया ट्राइब, जो गरासिया जनजाति का संबंधित नृत्य शैली लूर है, ये जो राजस्थान की नृत्य शैली और उनके जो प्लेस शिखर की, जो भरतपुर की है, मेवाड़ मारवाड़ की है नृत्य शैली, ये सब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आधी क्वेश्चन आ ही जाता है। और ट्राइबल पीपल, जैसे पूरे भारत देश के अंदर जो ट्राइबल पीपल कहाँ पे होते हैं, राजस्थान में जो रहते हैं ट्राइबल पीपल, जो जनजातीय वासियाँ कौन से कहाँ कहाँ हैं, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन हिंदी में स्थानांतरित कल्टीवेशन बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम और एक है झूमिंग कल्टीवेशन, एक जगह से एक जगह घूमते घूमते वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो उसका कल्टीवेशन का नाम डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है उसका, स्थानांतरित जो व्यवसाय करते थे उसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है मालूम होना है अपने को, राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन है। विजय दान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया। ये भी सही है। विजय दान देता रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। ये भी सही है, तो इम्पोर्टेंट है ये। विजय दान देता वॉज द फेमस राइटर ऑफ राजस्थान हु स्टोरी वॉज अडेप्टेड एज क्या नाम था उसके अंदर, चरणदास चोर ना चोर प्ले। विजय दान देता वॉज ए को फाउंडर ऑफ रुपियाना रुपियाना संस्थान। तो रुपियाना संस्थान का को फाउंडर कौन है, विजय दान देता। सी हियर माउंट पीक लोकेशन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड, पर्वत शिखर और स्थिति देश। ये इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो पर्वत शिखर है अल्बरूस। अल्बरूस कहाँ पे है, अल्बरूस ये रशिया में है, अल्बरूस रशिया के अंदर है। तो ऐसा याद करिए, अल्बरूस रू अल्बरूस नाम के अंदर ही रूस है, रशिया है। ऑप्शन ये सही है, मैं पहले ही बता दूंगी। अल्बरूस एशिया, देन बी किलीमंजारो, ऑप्शन सी टैंजेनिया। किलीमंजारो आप गाने में सुनते हैं, रोबोट का पिक्चर का गाना है किलीमंजारो, तो वैसे याद रखिए किलीमंजारो ये अफ्रीका के अंदर, साउथ टैंजेनिया के अंदर है। नेक्स्ट, माउंट कुक। माउंट कुक कहाँ पे है, माउंट कुक है न्यूजीलैंड, कुक गए थे न्यूजीलैंड, ऐसा याद रखिए। मैक किनले, मैक किनले का ऑप्शन है सेकेंड वन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी यहाँ पे माउंट पीक्स देखा है, लोकेशन देखा है, इसी तरह राजस्थान का जो गुरु शिखर है, बाकी का शेर है वगैरह जो लिख लीजिए, और ऑप्शंस भी लिख लीजिए, उल्टा उल्टा करके प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छी तरह पकड़ हो जाए। ये विश्व के अंदर दिया गया है, पूरे वर्ल्ड का है। अब राजस्थान के अंदर या भारत देश के अंदर भी पूछा जाता है, साउथ इंडिया से भी पूछे जाते हैं, अन्ना मुंडई पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो वहाँ पे साउथ इंडियन की नॉर्थ साइड क्या है, ईस्ट साइड क्या है, साउथ साइड क्या है, उनके लोकेशंस क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अमंग द मैथमेटिकल इंडाइस फॉर द मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच वन ऑफ शोज द मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए हैबिटेंट एट ए लोकल स्केल। इसका मतलब है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। मध्य प्रजाति का मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी को दर्शाता है, अल्फा इंडेक्स। तो इसके अंदर और भी क्वेश्चन होता है, मध्य है तो ऊपर वाला जो प्रजाति को या नीचे वाला प्रजाति को दर्शाने वाला इंडेक्स को क्या होते हैं, ये आपका होमवर्क है। गामा इंडेक्स क्या होता है, बीटा इंडेक्स क्या होता है, एक तो अल्फा तो हम जान गए थे, मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है ये किसके अंदर, ये मैथमेटिकल इंडेक्स फॉर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। अभी ये देखिए, वुमेन सेंट दया भाई, दया भाई डिसाइपल शिष्य थी किसकी थी, संत चरणदास। तो यहाँ पे कैसा है, आप लोग गुरुजी का नाम उनके शिष्यों का नाम, जैसे गुरु नानक के शिष्य है, गुरु नानक किसके शिष्य है, या कोई भी हो, भक्ति मूवमेंट से मिल जाएंगे आपको, सूफी मूवमेंट से मिल जाएंगे। भक्ति मूवमेंट के अंदर बहुत सारे महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे सेंट आए थे, रायदास भी थे उनके अंदर से, कबीरदास भी थे, निंबार्कर चारिया थे, तो ये लोग किसके शिष्य या ये गुरु है, इस तरह क्वेश्चन बना के आप देखिए ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो आप वर्ल्ड मैप देखना ही पड़ेगा। वर्ल्ड मैप के अंदर कैनाल कनेक्ट्स नहर जोड़ती है, कील है एक तो सू है, पनामा है, स्वेज है। ये स्वेज पनामा हमेशा पूछा जाता है, कील सू कम पूछा जाता है, पनामा स्वेज ज़्यादा पूछा जाता है। ये कनेक्ट्स किसके करता है, मेडिटेरियन सी, रेड सी। देखिए मैं पहले बता दूंगी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन
सेकंड वाला सही है, मैं बता रही हूँ। पहले वाले का ये का सेकंड है, बी का 4 है, सी का 3 है एंड डी का 1 है। अभी देखें हम मिलाएंगे। कील का है एल्बा एस्चुरी, एल्बा एस्चुरी बाल्टिक ओ सी। सो एल्बा एस्चुरी बाल्टिक सी कहाँ पे है, आप मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप के अंदर एक बार देखिए। और सू, सू का ऑप्शन है लेक सुपीरियर एंड लेक ह्यूरॉन। सुपीरियर, सुपीरियर लेक ये झील है, ये जो पीने के पानी की बड़ा सा लेक है उसमें से प्रसिद्ध है सुपीरियर लेक, अच्छा पानी के लिए। देन पनामा ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इट इज़ सुपीरियर लेक इज़ द फेमस बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। पनामा अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासमुंदर एंड अटलांटिक महासमुंदर को जोड़ता है ये, कौन सा, पनामा, ये इम्पोर्टेंट है पनामा। स्यूज सुपीरियर झील व ह्यूरॉन, सॉरी पनामा जो है वो तीसरी नंबर पे है, पनामा अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर। स्वेज है मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, सॉरी मैं बात करते करते मैंने वर्ल्ड मैप देखने लग गई हूँ, जो साउथ अफ्रीका के ऊपर जो यूरोप को जोड़ता है वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आता है, तो मैं गलत बोलने लग गई थी। तो पहला ये का है, दूसरा ऑप्शन बी का है, फोर्थ ऑप्शन सी का है, थर्ड ऑप्शन सामने है सी का, स्वेज का है पहले वाला मेडिटेरेनियन सी, रेड सी। आप एक बार मैप लीजिए, सारे लोकेट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न घाट्स, कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्व घाट के अवस्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन द ईस्टर्न घाट, देखिए नहीं है तो तीन तो है ही है, चौथा वाला सलहेर नहीं है, तो है कौन सा, सिंकराम गट्टा, इसको गट्टा नहीं बोलते गुट्टा बोलते हैं एक्चुअली, ये तेलुगु वर्ड है, गुट्टा मीन्स पहाड़ बोलते हैं उनके मातृभाषा में, तेलुगु मातृभाषा में गुट्टा को मतलब पर्वत है। सिंकराम गुट्टा, गालीकोंडा, कोंडा भी एक बड़ा सा पत्थर होता है, कोंडा का मतलब पत्थर, बड़ा सा पत्थर, गालीकोंडा, मधुगुला कोंडा, मधुगुला कोंडा, ये देखो कोंडा गुट्टा गुट्टा कोंडा आ रहा है, ये आप समझ जाइए कि ये एक भाषा को सूचित कर रहे हैं, बाकी का सलहेर के अंदर गुट्टा कोंडा ऐसा नहीं है, तो ये ऑड वन दिख रहा है वैसे ही, तो आप इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। मैंने इससे पहले बताया था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि, इसके बारे में पक्का पूछते हैं आप लोगों को, मैंने बताया था अभी आ ही गया क्वेश्चन वो। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्टेट, देखिए कौन सा स्टेट के अंदर ये जो स्थानांतरित कृषि का नाम अलग अलग होता है, देखो केरला के अंदर करते हैं, अभी इसके अंदर करेक्ट मैच नहीं हुआ है, उसको अपने को पिकअप करना है। फोर्थ वन पहले ही बता रहा हूँ गलत है, पहले वाला पोनम, पोनम देखो केरला का भाषा है, पोनम केरला, पोंडू पोंडू ओडिशा, झूम झूमिंग कल्टीवेशन असम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है झूमिंग कल्टीवेशन, झूम असम, माशा हिमाचल प्रदेश, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रीजन है, कंट्री है, जो मैच नहीं करता है उसको अपने को पॉइंट आउट करना है। पहले ही बोलती हूँ साउथर्न न्यू इंग्लैंड, ये गलत है, यूनाइटेड किंगडम, ये गलत है। बाकी का देखो पोगाटी, पो वैली इज इन इटली, करेक्ट, रूर इन जर्मनी, करेक्ट, कांटो प्लेन्स जापान, ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। पोगाटी इटली के अंदर है, रूस जर्मनी के, कांटो मैदान जापान के अंदर है कांटो मैदान, और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये यूनाइटेड किंगडम्स में नहीं है। सो आप इस तरह इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के अंदर भी है, रूरकेला है, ये सारे इंडस्ट्रीज का जो रीजन है वो कौन से स्टेट के अंदर आता है वो भी ध्यान रखना, फाउंडर कौन है वो इंडस्ट्रीज़ का, और पहला कौन सा इंडस्ट्री इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, और राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रीज़ पहला कहाँ पे आया है, चीनी का है या आयरन का है, यहाँ पे राजस्थान में माइंस ज़्यादा मिलते हैं, केतड़ी सिंगाना कॉपर माइंस है, उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करिए ताकि एक दो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ये नेशनल लेवल में क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी ई एल, फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड,
collaborating with ISRO to develop fourth option is GAAS, solar cell. Bharat Electronics Limited ISRO के सहयोग से बनता है, क्या बन रहा है, कैपिटल जी ए कैपिटल ए स्मॉल एस सोलर सेल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित कीजिए, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, डिस्ट्रिक्ट्स एंड माउंटेन्स। ये अभी मैंने बोला था माउंटेन्स जैसे वर्ल्ड वाइज दिया है, इन राजस्थान में भी देगा ज़रूर, ऐसा देखना चाहिए आपने। तो जालोर, जयपुर, अलवर, शिखर, ये है जिलों का नाम। माउंटेन्स का नाम है बारवाड़ा, जालोर, जारोला सॉरी, रघुनाथगढ़, बाणगढ़। तो रघुनाथगढ़ आपको सबको पता ही है, तो रघुनाथगढ़ कहाँ पे है पहले मैं बता दूंगी। जालोर का ऑप्शन है सेकंड वन जरोला, जयपुर का ऑप्शन वन बारवाड़, अलवर के अंदर मानगढ़, भानगढ़ एंड शिखर रघुनाथगढ़। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर देखिए ये सेकंड वन ऑप्शन सही है, आप लगा लीजिए। ए के पास दो, बी के पास वन, सी के पास फोर एंड डी के पास थ्री। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन हिल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ विद्यायन रेंज इन राजस्थान। ये विद्यायन पर्वत श्रेणी का विस्तार राजस्थान में कहाँ तक है, कौन सा पहाड़ तक है, ये ऑप्शन सेकंड है मुकुंदरा पहाड़ियाँ, अलवर हिल्स, गिरवा हिल्स, दोरा माउंटेन्स। ये भी एक बार नज़र डालिए, इसके ऊपर तीन ऑप्शन को छोड़ना नहीं है अपने को, एक ऑप्शन दे रहा है, तीन ऑप्शन दे रहा है, इनके भी अपने को जानकारी लेना है। हिंदी में कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है, मतलब ये एक्सटेंशन है, एक बाग है उसके अंदर ही, मुकुंदरा हिल्स। देखिए यहाँ पे पूरा इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया एंड द नंबर इन द ईयर 2018, रिसेंटली उनका नंबर कितना है पूछा गया, पूरा भारत देश के अंदर। सामुदायिक रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स है एक तरफ, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर फर्स्ट वन कम्युनिटी रिजर्व्स है, देन सेकेंड वन कंजर्वेशन रिजर्व्स है, थर्ड वन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पहला सामुदायिक रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, ये आंकड़े 2018 के हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन दो है इसके अंदर, पहले वाले का ये का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का आप देख सकते हो वन, डी का थ्री, ये है, ये आप रट करना ही पड़ेगा, इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, लेटेस्ट है न्यूज़, सो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट आर करेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल 2002, ये रूल बनाया था 2002 के अंदर। राजस्थान मिनरल पॉलिसी खनिज नीति 2015 में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2016, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016, राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स अमेंडमेंट अप टू मे 2016, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधन मई 2016, संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली पहले वाला। सो ये सारे ऑप्शन सही है, मतलब आपको सारे ऑप्शन याद रखना है, सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एक साइड है, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इरिगेशन प्रोजेक्ट से किस किस को डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिशन हो रहा है, ये पूरा आप राजस्थान का है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नर्मदा परियोजना भी आया है, उसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब पहला वाला है सिंधमुख प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट, जवाई प्रोजेक्ट, जाखम प्रोजेक्ट, ये हो गया प्रोजेक्ट। अब इसके जो है हम मिलाएंगे, फर्स्ट वाला है फोर्थ ऑप्शन, पहले वाला का फोर मिला लीजिए, सेकंड का फर्स्ट मिला लीजिए, सी का दो है, डी का तीन है। अब देखो ए का चार में कौन सा है, हनुमानगढ़ एंड चूरू, हनुमानगढ़ के पास श्री गंगानगर भी लगा सकते आप,
एंड चूरू है। कौन सा? सिंधमुख प्रोजेक्ट परियोजना, ये दो जिलाएं लाभान्वित है इससे। नर्मदा परियोजना से जालोर एवं बाड़मेर नर्मदा परियोजना, ऑप्शन बी का वन है। और सी जेवाई प्रोजेक्ट है, लूनी रिवर का है। ये है टू, जालोर पाली एवं जोधपुर। देन जाकम परियोजना किसकी है? उदयपुर एवं प्रतापगढ़। फ्रॉम विच एरिया ऑफ राजस्थान द मैक्सिमम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वॉज रिसीव्ड इन द ईयर 2017-18 अप टू डिसम्बर 2017 तक जो जानकारी है। मैक्सिमम क्रूड ऑयल कहाँ से आ रहा है? ऑप्शन ए बाड़मेर, सांचौर, बेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनगण 2011 के अनुसार क्रमांश भारत एवं राजस्थान की नगरी जनसंख्या का प्रतिशत आंकड़े में बताइए। देखिए इसके ऑप्शन तीन है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एंड राजस्थान परस्पेक्टिवली एज पर सेंसस 2011। 2011 के अंदर भारत देश का और राजस्थान का दोनों, पहले का भारत देश का है बाद में राजस्थान का है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन थ्री सही है, 31.15% इंडिया एंड 24.1887। ये कौन सा है? ये अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी है, ग्राम का नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान? निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? इसके अंदर देखिए, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है। जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री सही है, मार्बल इंडस्ट्री सही है, जस्ट गलत उद्योग, और बेसमेंट सीमेंट उद्योग सॉरी। देन संगमरमर उद्योग, ये जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो नहीं है जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर हैविंग लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू टोटल पॉपुलेशन इन ऑर्डर इन देयर टोटल पॉपुलेशन? बीकानेर, नागौर। आंसर फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? वो है बीकानेर और नागौर। इस तरह से न्यूनतम कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, एससी एसटी दोनों देखिए पूरा राजस्थान के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी एट पंचपद्रा बाड़मेर इज जॉइंट वेंचर ऑफ पंचपद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी विकसित संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर है, किसके हैं? ये ऑप्शन थ्री है, HPCL एंड सरकार। इसके रिलेटेड पूरा पढ़िए, HPCL कितना इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट राजस्थान कितना दे रहा है, और क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी वेयर इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान, ये भी पूछता है। पंचभद्रा बाड़मेर, पंचभद्रा कहाँ पे सिचुएटेड है? बाड़मेर में। तो इसके रिलेटेड पूरा कब ये लागू किया हो रहा है, क्या कब कब हो रहा है, ये सारा इसके जानकारी लीजिए आप। राजस्थान इज ऑलमोस्ट सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, कौन से खनिजों की राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? देखिए लेड है, सीसा एम जस्त, जिंक और ताम्र, कॉपर और जन, नेक्स्ट ओलेस्टोनाइट है, देन सेलेनाइट। सो इसके अंदर कौन सा एकमात्र है? ऑप्शन दो सही है, ए एंड सी, लेड एंड जिंक और एंड वेलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है राजस्थान। ये देखिए करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिविक्स रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? उसका मतलब है कि ये 1926 केवल फर्स्ट वन आंसर करेक्ट है, आंसर फर्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड, लिखा है, ऑथर्ड मीन्स लिखी है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर फ्री इंडिया. गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया रिटन बाय हुम? श्रीमान नारायण अग्रवाल, ऑप्शन वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबद्ध करे अंतः स्थापित किया गया. द एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट मे बाय लॉस प्रोवाइडेड इंसर्टेड बाय. ये है ऑप्शंस टू करेक्ट है. 15th कॉन्स्टिट्यूशन, 15वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु शैल बी डिटरमाइंड. सो ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन. राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट दिया गया है शुभंकर. और भी आप देखिए, यहाँ पे चार दिया गया है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी. शुभंकर है ये, मस्कट है, डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर, देन भीलवाड़ा, जैसलमेर, देन चूरू. अब इसके जो मेल है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, नॉट करेक्ट मैच. कौन सा वाला करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन सवाई माधोपुर लायन नहीं है, टाइगर है, बाघ है. भीलवाड़ा का मोर है. जैसलमेर का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. चूरू का ब्लैक बक. अभी जो हाल ही में एशियन गेम्स हुआ था उसका शुभंकर क्या है, तीन शुभंकर थे, वो किसके प्रतीक है ये भी ध्यान रखना. और दोसा का कौन सा है, ये रबी, ये रैबिट होता है, शिखर का भी रैबिट है और दोसा का भी रैबिट है. और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट देखिए, शायद कुछ भी आ सकता है. और गोंडवाना राजस्थान का राजपक्षी है. और पिकॉक तो आपको पता है, नेशनल एनिमल.